आदम नाजरीन सियासत टी वी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के जानी इस्कबाल करता हूँ दोस्तों खूबसूरत नजराना हर सिंफ नाजुक का बुनियादी हक़ है औरत और सिंगार लाजिम व मंजूम है कहते हैं हसन सिंगार का मोहताज नहीं होता मगर जब हसन और सिंगार एक जगह हो जाए तो

लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि खातन ऐसे कौन से तरीक़े इस्तेमाल करें जिनसे कम वक्त और कम खर्च में वो जाजिब नज़र दिखाई दें ये एक ब्यूटिशन या फिर मेकअप आर्टिस्ट ही बता सकती हैं ये सारी बातें हमने इसलिए बताई आज हैदराबादी सितारे की मेहमान जो फैशन और ब्यूटी की दुनिया से रिलेटेड इबा ख़ान है अपने करियर का आगाज मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया और बहुत ही कम मुद्दत में वो फिर फैशन इंडस्ट्री से जुड़ गई और अब वो शहर की एक जानी मानी मॉडल की हैसियत से धूम मचा रही हैं कई मशहूर ब्रांड्स के वो फोटोशूट्स और होर्डिंग्स पर नज़र आती हैं और आने वाले वक्तों में वो अदाकारी के जौहर भी दिखाना चाहती हैं तो आइए मुलाकात करते हैं इबा खान से और जानते हैं इनसे ब्यूटी और मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी बातें है हमारे इस प्रोग्राम में बड़ी खुशी हो रही है इबा खान जी आज आप हैदराबादी सितारे शो के लिए वक्त निकाल ही लिया थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच हैदराबाद इबा खान जी, जी। आपके जो करियर की शुरुआत हुई आपने काफी किया और बहुत ही कम वक्तों में आपने नाम कमाया है तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह में बताइए जी हाँ, एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई एज ए मेकअप आर्टिस्ट अच्छा तो मैं मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग भी लिया था ओके आ, वो भी मोस्टली वन ईयर का एडवांस कोर्स फ्रॉम VLCC ओके वो ब्रांच कोटापेट ब्रांच का है अच्छा तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है बहुत यंग एज में ओके okay. तो ऐसे कुछ हुआ था मेरे साथ तो मुझे स्टडी स्टॉप करके अपना करियर पे फोकस करना पड़ा था जॉब करना पड़ा था तो वहाँ से सीरियल से स्टार्ट हुआ है मेकअप का कोर्स कंप्लीट हुआ है उसके बाद मेरा फर्स्ट जॉब लगा था तो मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ तो वहाँ से स्टार्ट हुआ समझे मेरा करियर तो सब बहसीत मेकअप आर्टिस्ट आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ पर्सनल मेकअप मैन के तौर पे भी आप गई होंगी और वहाँ क्या वाक़ आपके साथ हुए हैं हम भी जानते हैं तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को जरूर बताइए जी हाँ आ, बहुत फनी हुआ था जी जी <laughs> आ, मैं एक एक्ट्रेस के लिए गई थी मैं मेकअप करने के लिए तो वहाँ पे ऐसा हुआ था आ, बहुत ज़्यादा लोग थे और वो लोग सोच रहे थे कि क्रू मेंबर्स जो है वो लोग सोच रहे कि मैं एक्टर हूँ तो मुझे इनवाइट मुझे बुला रहे थे शूट रेडी है मैम तो मैं बोली नहीं नहीं मैं नहीं हूँ वो है तो ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ था तो आ, अच्छा, चला ऐसे तो माशाल्लाह आप खूबसूरत है तो <laughs> वो लोगों ने सोचा होगा कि Confused भाई आप <laughs> <laughs> तो आप बहसीत मेकअप आर्टिस्ट वहाँ गई थी अच्छा हमें ये बताइए कि आपने मेकअप में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एडवांस कोर्स भी किया आपने तो एक चीज है अभी हम जो देखते हैं बहुत सारे पॉलर्स या फिर ब्यूटी सेलून का जो आजकल चलन आम हो गया है तो एडवांस कोर्स करने से कितना एडवांटेज मिलता है जी हाँ एडवांटेज ये मिलता है क्योंकि आपको बेसिक में जस्ट स्टार्टिंग नॉलेज मिलेगी आपको लाइक like, कैसा करना है स्किन टेक्चर उतना डीपली नहीं मिलता है जैसे अगर एडवांस में जाएंगे एडवांस भी रहता है पीएच पीजी भी रहता है उसमें अच्छा तो पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉस्मेटोलॉजी बोलते हैं तो वो भी रहता है तो मैंने एडवांस किया कॉस्मेटोलॉजी तो उसमें हम लोग को ये बताते कि स्किन का प्रॉब्लम्स टाइप्स ऑफ स्किन रहते हैं ऐसे देखे तो इतना डीपली जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको दिखेगा तो टाइप ऑफ स्किन रहेगा हेयर का भी रहेगा उसमें एंड कौन से टाइप में कौन सा फाउंडेशन uh, यूज करना पड़ेगा कंसील यूज करना पड़ेगा स्किन टाइप्स रहते काफी चीज़ रहते हैं हैं काफी चीज तो इसमें थोड़ा सा अगर आपको मोस्टली इंटरेस्ट है इस चीज में आगे बढ़ने का क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बहुत चल गया मेकअप आर्टिस्ट के लिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं चलो लॉकडाउन आने के बाद से सब लोग मेकअप सीखना स्टार्ट हो गया है वो अच्छी बात है लेकिन वो करेक्ट वे में नहीं है अच्छा करेक्ट वे में अगर आप एडवांस कोर्स या पीजी कोर्स इसमें डेप्थ तक जाओगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा न्यू न्यू टेक्निक्स रहेगा आपको उसमें और देखा गया तो अभी न्यू न्यू प्रोडक्ट्स भी हैं तो इसकी नॉलेज आना बहुत जरूरी है जब आप एडवांस कोर्स करती हैं तो जो आजकल प्रोडक्ट बाजार में आते हैं उसका भी भरपूर नॉलेज हो जाता है कि भाई आप अपने फेस के लिए क्या चीज इस्तेमाल करना हाँ। चाहिए क्या चीज नहीं जी हाँ जैसे कि मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ अच्छा इन सेलून्स में जैसे अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट है जो फ्रेशर है एकदम तो उनको नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ेगा तो स्किन के बारे में और धीरे धीरे से जो जो न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं तो फर्स्ट मैं अपने आप को ट्रेन करती हूँ फिर आगे वाले को ट्रेन करती हूँ तो वो भी आ जाएगा आपको आपने बताया कि भाई जो भी नए नए प्रोडक्ट आते हैं आप अपने फेस पर जी। इस्तेमाल करती हैं तो कभी कभी उसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं तो तब आप क्या करती हैं देखिए अब ब्राइडल देख, है जो बहुत अपने स्किन में भी टेक्चर्स रहते हैं सेंसिटिव स्किन रहती है किसी की अब कुछ प्रोडक्ट लगाते कि रिएक्शन आता है अच्छा। तो इसलिए अगर कुछ सर्विस आप जा रहे हो ब्यूटी सर्विस के लिए ब्राइडल के लिए स्पेशली तो वो लोग को सजेस्ट किया जाता है कि वन मंथ पहले से स्टार्ट करिए या पहले से, क्योंकि आपकी स्किन को पता होना चाहिए कि मुझे सूट होगा या नहीं होगा तो मेरा बेटर है अगर आप ब्राइड्स हो या कुछ भी ओकेशन हो तो आप वन मंथ पहले से ही अपने स्किन को प्रिपेयर कर दीजिए अपने बिग डे के लिए तो आप सेंसिटिव स्किन है उसके लिए प्रोडक्ट मोस्टली मैं सजेस्ट करती हूँ आप अगर रैशेस आ गए हैं तो आप बेटर है कि होम केयर यूज करिए इमिडियटली आप फेशियल्स में या कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स में ना जाए आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो आइस क्यूब बहुत अच्छा है बेनिफिट है डेली नाइट में स्पेशली आइस क्यूब करना चाहिए गुफ्तु के दौरान आपने बताया कि टाइप ऑफ स्किन के बारे में हमारे जो नाजरीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस वक्त वो शादी ब्याह हाँ में जाती हैं या फंक्शन अटेंड करती हैं तो उनको किस तरह के कॉस्मेटिक इस्तेमाल करनी चाहिए उस बारे में आप ज़रूर बताइए जी हाँ बिल्कुल मुझे ये बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको स्किन अगर आपको अच्छी रखनी है शादी के टाइम पे तो आपको फर्स्ट सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट मेन स्किन के लिए आप जैसे आपने Uh, जीने के लिए खाते हैं वैसे स्किन के लिए भी फूड रहता है वो फूड है सनस्क्रीन सनस्क्रीन मस्ट है आप कभी भी कहीं पर भी जाइए आपको सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी इवन मेकअप से पहले भी अच्छा जैसे मेकअप से पहले प्राइमर बोलते हैं मॉइस्चराइजिंग बोलते हैं मॉइस्चराइजिंग के प्लेस में बेस्ट है कि सनस्क्रीन यूज करें तो आपको एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा है स्किन पे तो डैमेज नहीं होगा जो भी अगर आप फाउंडेशन जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो एक सरफेस रहेगा आपको सनस्क्रीन डायरेक्ट भी स्किन में आपको प्रॉब्लम नहीं देगा तो मेरा बेस्ट ऑप्शन है कि आप सनस्क्रीन यूज़ करिए अगर हाँ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है स्किन पे तो आपने खुद से कुछ नुस्खे बोलते हैं वो हाँ, मत करिए क्योंकि आ, उससे क्या होता है आपको आगे आपको खुद प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा इससे बेटा कुछ भी सीरियस है आपको जैसे एक्ने होता है बहुत ज़्यादा सिवियर होता है वो आप कुछ नहीं कर सकते कितना भी आप यूज कर लीजिए कुछ नहीं होगा उससे बेटर आप डॉक्टर कंसल्ट कीजिए ना कि आप ऑनलाइन चेक करिए यूट्यूब में हर चीज सही नहीं होती है सही बात है तो इससे बेटर है कि आप डॉक्टर कंसल्ट करें वो बेटर रहेगा आपके लिए इबा आपने बताया जिस तरह के सन लोशन इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन लड़कियां या फिर खातन घर के बाहर तो नहीं निकलती उसके बावजूद भी सन लोशन या सन लोशन जो होता है वो प्रोटेक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है जी। तो जो घर में होती हैं जो लड़कियाँ घर में होती हैं उनको भी ये लोशन इस्तेमाल करना चाहिए हाँ बिल्कुल आप बाहर जाने से ही आपको आ, स्किन खराब होगी नहीं अपने जो घर में यूवी लाइट्स रहते हैं जो लाइटिंग्स है वो भी बहुत डेंजर है स्किन के लिए अब जैसा दिन भर आप किचन में वॉक करते हो कुकिंग करते हो वो भी हीट है उससे भी आपको स्किन डैमेज होता है कंपल्सरी आप घर में रहो या बाहर रहो सनस्क्रीन यूज करना ही पड़ता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज सभी को सनस्क्रीन यूज करना पड़ेगा वो मस्ट है ओके okay. चाहे कौन सा भी रहने दीजिए डॉक्टर कंसल्ट करिए वो बेटर रहेगा जो भी ब्राइडल या दुल्हन एक महीना अगर शादी को बाकी है वहां से स्टार्ट करें मेकअप अगर मान लीजिए अचानक जो भी दुल्हन है उसकी शादी तय पाई जी तो तब क्या करें आप क्या सजेस्ट करेंगी हाँ तब आपको माइल्ड ट्रीटमेंट्स में जा सकते हैं आप ब्राइडल के लिए माइल्ड सर्विसेज भी आते हैं वो जा सकते हैं अगर आप आ, क्योंकि आजकल देखिए विदाउट मेकअप कोई नहीं रहता है अच्छा। किसी ना किसी को तो मेकअप करना ही चाहे वो बीबी क्रीम रहो या फाउंडेशन रहो तो आप लोग को तो पता है कि आपको कौन सा फाउंडेशन मेरे स्किन को सूट होता है तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो आप करेलॉन जो प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो बहुत अच्छा है ऑल टाइप स्किन के लिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ रिएक्शन होगा ऐसा कुछ नहीं रहेगा ऑल टाइप स्किन के लिए रहेगा एंड मैक प्रोडक्ट है ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स रहते हैं और मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ क्रेलॉन क्योंकि वो मेरा स्किन सेंसिटिव है मुझे बहुत सेट भी होता है ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं होता है तो आप जा सकते हो क्रेलॉन एंड प्रोडक्ट्स के लिए एंड वो लॉन्ग टाइम तक भी रहता है स्पेशली ब्राइट रोते तो जाएगा मेकअप तो क्रेलॉन बेस्ट है वाटर प्रूफ है अच्छा तो आप वो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं लेकिन इबा हमें जो इल्म है इंडस्ट्री में स्टिक का इस्तेमाल ज्यादा होता है हाँ वो क्रेलॉन स्टिक का होता हाँ। है क्योंकि इंडस्ट्री में देखिए आपको काफी सीन्स करना पड़ता है अंडर वाटर भी काफी सीन्स रहता है तो उसके लिए बेस्ट है तो इसलिए इंडस्ट्री वाले लोग डर्मा कलर्स जो क्रेलॉन में यूज़ करते वो यूज़ करते क्योंकि वो आप नेक्स्ट डे भी वॉश करिए उसका इफेक्ट रहता है वो बेस्ट है एक्चुअली तो बेचारी रात में मेकअप के साथ ही सोती है <laughs> जी <laughs> अच्छा तो फिर दूसरे दिन सिर्फ टचअप फिर नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं रहता है देखिए मेकअप रिमूव करना बहुत जरूरी है हाँ वो बताइए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड डबल क्लेंस करना पड़ता है मेकअप अब अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही चले जाओगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा वो कंपल्सरी है तो इसलिए अपना सेल्फ केयर जरूरी है चाहे कितनी भी लेट होने दीजिए मेकअप रिमूव करना बहुत जरूरी है बिल्कुल आपकी बात जो अभी ईवा बता रही हैं जो लोग मेकअप करती हैं उनको थोड़ा सा आ, जहन में रखना चाहिए कि भाई आ, सोते समय है ना हाँ। आराम करते वक्त रिमूव करके मेकअप सो जाए हाँ। वरना हाँ। काफी साइड इफेक्ट हो सकते हैं है ना जी सही जैसे कि आप मस्करा लाइनर कुछ लोग जाता भी नहीं है तो इसमें आपको फंगस स्टार्ट होता है लैशेस में भी तो इसलिए बेस्ट है कि आप कितनी भी लेट होने दीजिए पहले मेकअप रिमूव करिए उसके बाद जो भी काम है हरहाल आपको इतना बेहतरीन तजुर्बा हो गया है मेकअप के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज हो गई है तो उस लिहाज से आ, अभी मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा वो ये कि आप मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर तो आपने काफ़ी काम किया और आज भी बड़े बड़े जो सेलूंस है उसमें ब्यूटी टिप्स भी देती हैं जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं जो लोग सीखने आते हैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए तो अभी बहेसियत मॉडल किस तरह आपने रुख किया मॉडलिंग की दुनिया में किस तरह कदम रखा किस तरह आपने अपने कदम जमाए उस बारे में बताइए जी हाँ एक्चुअली मैं मेकअप करती हूँ काफी लोगों को हीरोइंस को भी तो मैंने सोचा कि एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय हेयर एंड मेकअप एंड लेट मी इंट्रोड्यूस ईबा से हाय शी इज ईबा एंड शी हैज डन सम अमेजिंग जॉब मेकअप Make में तो सभी खूबसूरत लगते हैं तो मैंने ट्राई किया था एक्चुअली मेरा पैशन बोलते हैं वो था एक मॉडलिंग की तरफ तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते तो मैंने काफ़ी लाइक इंस्टा चल रहा था ज़्यादा पहले फेसबुक ज़्यादा चल रहा था अभी इंस्टा का है सोशल लाइफ ज़्यादा है तो मैंने ऐसे जस्ट देख रही थी मैं इंस्टा पे Uh, किसी डिज़ाइनर्स का या फिर किसी मेकअप आर्टिस्ट के लिए उन लोगों को नहीं पता तो मैं ऐसे ही देखते 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 मैसेज करना स्टार्ट किया डीएम्स करना फॉर शूट के लिए तो मैंने मैंने मेरा एक था कि चलो ठीक है हम ट्राई करते हैं ओके okay. वो एक्सपीरियंस एज ए मेकअप आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस अलग है एज ए मॉडल का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा मैंने ट्राई करने के लिए मैसेज किया रिप्लाई नहीं आया था फिर एक का रिप्लाई था Uh, बहुत फनी था <laughs> जो कि ये था वो लोग बोले कि सेंड करो पिक्चर्स तो मेरे पास जो है मैंने वो सेंड किया तो वो लोग बोले नोट आप तो मॉडल के जैसा दिखते ही नहीं हो <laughs> <चार>। बहुत <laughs> फनी था तो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा हर्ट हुआ है उस बात के लिए तो मैंने ठीक है लाइट लेते हैं तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया तो एक मेकअप आर्टिस्ट है बहुत अच्छे है तो उनसे हमारा स्टार्ट हुआ था तो वहाँ से अलहमदुल्ला से बैक टू बैक बैक टू बैक वर्क और बहुत सारा काम मिलता, गया, हाँ, मिलता आगे, गया, आगे बढ़ते गए और बहुत ही कम वक्तों में आज अलहमदुल्ला काफी अच्छा नाम आप कमा रही हैं बिल्कुल अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा कि वो पहला कौन सा प्रोडक्ट था जिसके लिए आपने मॉडलिंग की अगर आपको याद आता वो डिजाइनर का था एंड मेकअप आर्टिस्ट का भी था मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट का था वो स्टार्टअप कर रहे थे तो मेरा भी स्टार्टअप था तो दो स्टार्टअप मिलते एक बैंग आ जाता है तो वैसे ही वहाँ से स्टार्ट किया था और डिजाइनर फर्स्ट मेरा स्टार्ट हुआ जारा डिजाइनर बोल ओके okay. उनसे मेरा स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था समझिए वहाँ से जर्नी स्टार्ट वहाँ से काफी लाइक कैसे बोलते हैं छोटे लोग जो मतलब छोटा सा चो स्टार्टअप करते हैं हम भी तो स्टार्टअप ही थे उस टाइम पे तो वहाँ से स्टार्ट किया था छोटे छोटे डिज़ाइनर्स छोटे छोटे मेकअप आर्टिस्ट से कनेक्ट हुए थे तो एक टीम टाइप टीम वर्क कर रहे थे तो वहाँ से आप आ, देख सकते हो कि बड़े बड़े ब्रांड्स ब्रांड्स आए थे वहाँ से अब और शूट स्टार्ट हुआ था तो बिग ब्रांड्स में वर्क किया था मैंने लाइक नीरू से मेरे उसके लिए भी मैंने वर्क किया है मलाबार ज्वेलरी के लिए भी किया है शूट तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छे चांसेस आए हैं बिग ब्रांड्स आए हैं शूट करने के लिए ओके okay. चलिए इबा खान आप मॉडल तो बन गए पहली मर्तबा आपके जब होर्डिंग आपको देखती हैं तो कितनी खुशी आ... महसूस होती है आपने काफी स्ट्रगल भी किया है जी और बहुत... आपका एक ख्वाब था कि मॉडल के रूप में बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स मेरी शहर में लगे जी हाँ एक्चुअली वो ड्रीम्स कम्स ट्रू बोलते सभी लोग का रहता है ड्रीम आ, मैं बिग थैंक तो टू नीरुस बोलती हूँ नीरुस एंड युवा नीरुस युवा नीरुस के लिए मैंने शूट किया था ज्वेलरीज के लिए तो उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ा था होडिंग्स के हुडिंग्स में आने के लिए तो हाँ युवा नीरुस के लिए मैं एबिट्स पे जो है वहाँ पर हुडिंग्स पे हूँ और अभी भी जाके देखती हूँ मैं <laughs> मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक बहुत अच्छा खुशी मिलती है उससे बहुत मजा आता है कि हाँ ठीक है मुझे मुझे जो चाहिए वो है आज बिल्कुल <laughs> चाहे वो छोटा भी क्यों ना हो लेकिन वो दिल में जो खुशी आती है ना बस बिल्कुल सही बात पर बड़ी दिलचस्प की हो रही है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ तो नाजरीन का आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजरीन सियासत टी वी की ताज़ा तरीन खबरें मुशायरे मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टी वी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं यूट्यूब पर सियासत टी वी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोज आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकें वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल ईबा खान से ईबा खान जी आपने करियर की शुरुआत के बारे में बताया और फिर आपने मॉडलिंग किस तरह की वो बता रही थी तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि मॉडलिंग में जो इंस्परेशन रहा उस बारे में बताइए हाँ मेरा इंस्प्रेशन आ... एक एक्टर है ऐश्वर्या राय सुष्मििता सेन और मुझे बहुत पसंद है वो लुक तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है इनके जैसा कुछ करते हैं शायद नहीं होंगी मैं वैसी पर मैं सोचती हूँ कि ऐश्वर्या राय में बहुत क्रेजी हूँ उनकी अच्छा बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ बहुत पसंद मुझे वो तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है मैं उनकी मूवीज देखना उनका स्टाइल देखना कॉपी तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि स्टाइल तो अपना ही नहीं।, हा, हा, हा। तो आप नहीं रहता नहीं, नहीं।, और स्टाइल तो अपना ही रहता कितना भी आप कर लीजिए कॉपी करके वो नहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते तो हाँ वो मेरा इंस्पिरेशन है लेकिन ये तो काफी सीनियर्स का आप नाम ले रही है जी। आपकी एज तो उतनी नहीं है अब के टाइम के लिए मैं फैन हूँ बिग बॉस से शहनाज अच्छा। गिल अफकोर्स सभी उनके फैंस है क्योंकि उनका जो यू टर्न जो टर्न हुआ है लाइफ में उसके बाद जो अब जो प्रेजेंट कर रहे अपने आप को वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है उससे तो हाँ एक लड़की को अगर कुछ हार्ड टाइम आया है तो मैं सोचती हूँ कि लड़की यू बहुत जल्दी लेती है बहुत स्ट्रोंग हो जाती है उसके बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका पर्सनैलिटी हम जो देखते हैं आप फैशन इंडस्ट्री से आती हैं लेकिन समाज में इसको तंग नजरी से देखा जाता है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी रहती है इंडस्ट्री में अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आपको कुछ भी काम छोटा भी काम रहने जी पॉजिटिव दिखेगा अगर आप नेगेटिव थॉट में लोगे नेगेटिव रहे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो हर एक इंसान में भी रहता है या हर एक इंसान हर एक एटमोसफियर में भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव रहेगी आपका नजर क्या है नजर मायने रखता है मेन चीज तो ऐसा कुछ नहीं है आ, प्रोफेशनली अगर आप जा रहे हो कोई लोग पैशन के लिए जाते ठीक है वो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा कुछ लोग मजबूरी के लिए भी जाते उसके लिए अपन कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं लेकिन उनका क्या मजबूरी है लाइक फैमिली में क्या प्रॉब्लम के वजह से एक लड़की आगे बाहर निकली है तो उसके लिए अगर अपन नेगेटिव थॉट करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल भी थोड़ा डाउन हो जाएगा तो हर चीज़ के लिए नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये नहीं है कि अगर आप एक ही चीज को सिर्फ नेगेटिव में ही लीजिए वैसा वो रॉन्ग रहेगा आप हर चीज नेगेटिव पॉजिटिव लीजिए तो करने में भी और देखने में भी लाइक अगर आप मुझे देख लोगे अगर मैं कुछ शूट कर रही हूँ अगर मैं रैंप वॉक क्योंकि मैं रैंप वॉक भी किया है रैंप वॉक करूँगी तो लोग का एक नजर रहती है अलग तरह की दो रॉ में तब वो चीज को अपन वॉक करते हैं कुछ कमेंट्स आते हैं नेगेटिव भी रहती है पॉजिटिव भी, तो उसको चेंज नहीं कर सकते तो अगर हमें उस चीज को लेना है तो डल हो जाएंगे कॉन्फिडेंट लेवल लो हो जाएगा उसी को अपन पॉजिटिव वे में करेंगे तो कॉन्फिडेंट लेवल नेक्स्ट लेवल में रहेगा वो बोलेगा तो मैं चाहती हूँ कि अगर लड़की कुछ करना चाह रही है कुछ आगे बढ़ना चाह रही है कुछ अपना पैशन दिखाना जा रही है कुछ भी चाहे वो छोटा भी वर्क रहने दी उसको सपोर्ट करे उसका एक स्ट्रांग पिलर बने तो लड़की कहीं तक भी जा सकती है अगर नेगेटिव माहौल रहेगा तो लड़की डर जाएगी गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स उतना फ्री नहीं रहेंगे कुछ चीज करने के लिए वो चार बार सोचेंगे अरे भाई मुझे ये करना है पर मैं नहीं कर सकती हां लेकिन एक बात है इबा आपने बताया कि भाई लड़की को स्ट्रांग बनना चाहिए फिर उसको आगे बढ़ने देना चाहिए लेकिन हालात भी तो वैसे नहीं है ना जी हाँ हमारे पास कुछ न कुछ आए दिन होते हैं। उसको भी जहन में रखकर हम आगे बढ़ना चाहिए हाँ अब देखिए मैं मॉडलिंग के में बोलती हूँ बहुत ज्यादा फेक भी आते हैं फेक हम डिजाइनर हैं हम आपको शूट देंगे या हम आपको एक्टिंग में लेंगे तो फेक एजेंसीज भी आते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि एजेंसी में ना जाए ओके okay. अब आप स्टार्टअप कर रहे हो अपना करियर तो लोग सोचते कि मुझे सीखना है एजेंसी में अप्लाई करना पड़ेगा तो कुछ एजेंसीज अच्छे रहेंगे पर इसका डिटेल मालूम करिए पहले चाहे अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो फर्स्ट उनको ये है कि, कि उनको डिटेल्स निकाले उस चीज का okay. कि अब चले आप डिजाइनर के लिए कर रहे हो या फिर आप चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट भी रहने दीजिए उसका डिटेल क्या है कहां से मतलब कौन? अब पे आप जाओगे तो फॉलोअर्स देखते हैं नहीं लेकिन आप बहसी मॉडल हैं तो आप इतना वक्त कैसे दे पाती हैं सोशल मीडिया के लिए कि कौन आपको फॉलो कर रहा है आप फौरी तौर पर उसको अनफॉलो कर देंगी

उनको बोल सकते कि भाई मुझे ये ये आया है आप इसका डिटेल्स निकालिए अगर कुछ ठीक है तो मैं मूव ऑन करती हूँ शूट okay. के लिए प्लान करती हूँ कुछ भी एक प्लान करती हूँ तो वैसे एक पर्सन आपके लाइफ में होना चाहिए जो आप ट्रस्ट करें और वो आगे बढ़े और डिटेल्स निकाले उस चीज़ के लिए कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो चाहे वो फादर भी रहो या मदर भी रहो क्योंकि मोस्टली फीमेल्स में मदर बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि डैड स्ट्रिक रहते हैं तो क्योंकि फीमेल्स के फ्रेंड्स मोस्टली ही रहते हैं तो मैं ये चाहती हूँ अगर आप कहीं स्टार्टिंग में जा रहे हो कुछ चीज के लिए या चाहे वो एक्टिंग हो शूट हो तो अपने किसी मेंबर को साथ में लेके जाइए सेफ जोन के लिए चलिए आपके पास तो स्ट्रॉन्ग आपके फ्रेंड है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रही हैं हाँ। और उन पर ट्रस्ट करती हैं और वो सारा आपके जितने भी चीज़ें हैं वही करते हैं ना जी हाँ वो हर चीज चाहे वो किसी से बात करनी हो या किसी आ, कुछ शूट के बारे में बात करनी हो या कुछ किसी भी चीज के लिए तो वो पहले आगे रहते तो उसके बाद मैं चलिए अच्छी बात है <laughs> वो जरूरी है क्योंकि आजकल के माहौल के हिसाब से किसी चीज के मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते आप उसका डिटेल्स निकालना बहुत जरूरी है चाहे वो एक चीज भी कुछ क्यों ना हो सही बात अच्छा इबा अभी आपने बताया मॉडलिंग से जुड़ता हुआ एक सवाल ये है कि जो मॉडल होता है उसका जो ड्रीम होता है उसका ख्वाब होता है वो होता है फिल्म जी तो क्या आप आगे चलकर या फिर फ्यूचर में फिल्म वगैरह करना चाहेंगे आप जी हाँ बिल्कुल मुझे ऑफर्स भी आए हैं मूवीज़ के लिए पर मुझे जैसा कैरेक्टर चाहिए जैसा बेस चाहिए वैसा नहीं है तो होपफुली कि मैं आगे वैसा जो मैं चाहती हूँ वो अगर रोल आया तो इन मैं जरूर प्लान करूँ ओके तो आप किस तरह के रोल पसंद करती हैं अगर मान लीजिए मैं बैसीत प्रोड्यूसर मूवी में अगर आपको साइन करवाना चाहता हूँ तो वो आपको किस तरह का रोल पसंद है वो बताइए अब किस तरह का रोल पसंद है कुछ भी चलेगा ऐसा कुछ नहीं मतलब अब देखिए आजकल के जो मूवीज हैं वैसा तो नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं उसमें कुछ मीनिंग ही नहीं है मतलब हीरोइन तो, कुछ काम ही नहीं होता, हाँ, होता है, कुछ है नहीं मुझे <laughs> लगता है सिर्फ देख दे, देखिए मूवी पहले पहले के टाइम पे ओल्ड मूवीज में बोलती हम साथ साथ हैं और फैमिली मूवीज है जो कि अभी नहीं है तो मैं चाहती कि ऐसी मूवीज आए मुझे जो फैमिली भी बैठ के जो सब ओल्ड टाइम पे जो देखते हैं मूवीज बैठ के पूरी फैमिली जो टीवी भी नहीं रहता है, तो वैसे टाइप का फैमिली ड्रामा आपको पसंद हाँ, आ, वैसे ही चलिए अभी आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है अगर आप उसको जहन में रखते हैं तो आ, फ्यूचर में क्या आप कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगी या फिर आजकल सोशल मीडिया का ही दौर जी, है जी हाँ अफकोर्स तो, मैं प्लान हाँ। कर रही हूँ यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉगिंग के लिए तो होपफुल्ली सक्सेस हो जाए वो बिल्कुल जी भाई वैसे दे, देखिए इबा अभी तो हाँ। बहुत सारे कॉमेडी चैनल्स आ गए हैं अगर कॉमेडी चैनल से हटकर आप किस तरह का चैनल कायम करना चाहती हैं हाँ आ, मैं देखिए ऐसा कुछ पर्टिकुलर में नहीं रहती हूँ मैं मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है तो मैं सोच कि लाइफ के बारे में लाइक ओवरऑल हर चीज़ आ जाए उसमें ब्लॉगिंग अब जैसे मैं मेकअप से स्टार्ट हुई हूँ मेकअप का कुछ आ जाए या आउटफिट्स का कुछ आ जाए फनी भी रहे उसमें कुछ कॉमेडी कुछ सीरियस ऐसा एंटरटेनमेंट टाइप एंटरटेनमेंट कहाँ से लाएंगे आप जब आप जो है जो चैनल की बात कर रही हैं तो उसमें तो फैशन फैशन रहेगा जी है ना जी आप देखने वालों को हंसी कहाँ आएगी हाँ, थोड़ा बहुत हैसने के टाइप में भी कर देंगे फैशनेस में लाइक अब देखिए स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग तो स्टार्ट करूंगी मैं जी आ, जैसे अपने बड़े-बड़े प्लेसेस हैं जी जी वहाँ पर विजिट करके ब्लॉगिंग इंशाल्लाह जरूर स्टार्ट करूंगी तो या फिर आगे देखते क्या होता है बिल्कुल <laughs> आजकल फिटनेस को लेकर काफी लड़कियां परेशान हो जाती हैं तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी टिप्स का तो ऐसा कुछ नहीं है हेल्दी रहिए हेल्दी फूड खाइए ना कि जंक फूड क्योंकि अब देखिए जा, लोग ज्यादा जिम ज्वाइन कर रहे हैं फिटनेस रहना है इससे बेटर आप हेल्दी फूड खाइए घर का काम करिए वही जिम रहेगा आपके लिए मेरा अच्छा। ये है कि हाँ देखिए जिम भी करिए आप नहीं बोल के नहीं इवन मुझे अभी अभी पता चला मतलब मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड बोले थे कि फीमेल्स ज़्यादा जिम नहीं करना चाहिए अच्छा क्योंकि इन फ्यूचर वो लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है तो इससे बेटर है कि आप घर पे ही कुछ ना कि वेट वही और लिफ्ट करिए घर पे ही कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए वो बेटर रहेगा इससे बेटर कि हेल्दी फूड खाइए टाइम टेबल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है फिटनेस रहने के लिए ओके। okay. अच्छा अभी एक सवाल जी। आ, सोशल मीडिया से जुड़ता हुआ आजकल आप देख रहे हैं कि रिल्स बनाने का चलन आम होता जा रहा है। जी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे रील्स तो देखिए हम लोग का प्रोफेशनल है क्योंकि आ, हमें इंस्टा पे पोस्ट करना रहता है एक्टिव रहना पड़ता है इंगेजमेंट होनी जरूरी है तो उसके लिए हमारा काम है हमें वो करना बहुत ज़रूरी है चाहे कुछ भी छोटी सी भी चीज़ रह तो हमें रील बनानी पड़ती है या पिक्चर क्लिक करना पड़ता है लेकिन आजकल के टाइम पे आम इंसान भी वही कर रहा है यानी कि आपको भी पता है क्योंकि अगर आप कुछ ओकेशन भी जा रहे हैं या इवन छोटा गेट टुगेदर भी रहने दीजिए वो गेट टुगेदर कम अपना सेल्फी पॉइंट ज़्यादा दिखा देता है, <laughs> सही है, सही है। <laughs> तो आपको भी आप भी देखे हो शायद कि रिलेटिव से मिलना कम हो गया है अटेंड फंक्शंस अटेंड कर रहे बट सेल्फी एंड रील्स के लिए ना कि अपने रिलेटिव्स या किसी से आ, मिलने के लिए वो नहीं रहा अभी क्योंकि उनसे कुछ होगा नहीं इससे बेटर है कि उनका जो पैशन है जो चीज़ उनको बहुत पसंद है इंटरेस्टेड है उस चीज़ को अगर आप आ, अच्छे से करेंगे वो बेटर रहेगा ना कि इन रील्स में टाइम वे, वेस्ट करेंगे वो तो हमारा प्रोफेशनल है वो हमें करना पड़ेगा ना कि वो लोग का प्रोफेशनल अगर हाँ वो लोग को इंटरेस्ट है कुछ उनका जो टैलेंट है वो दिखाना चाह अच्छा रहे तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा उनके लिए इन ए प्रोफेशनल वे अगर एक्टिंग के मुताबिक आपसे बात करें तो क्या कोई चैनल्स आपको ऑफर हुए हैं बहुत सारे चैनल्स हैं यहाँ पर टॉप जो चल रहा है हैदराबादी है डायरीज जी जी <laughs> हाँ अगर वैसे कुछ चांस आ गया तो बिल्कुल तो आप हैदराबाद डायरीज देखती हैं जी हाँ बिल्कुल विदाउट मिस अच्छा तो आप हमारा चैनल देखती है हाँ, आपका चैनल देखती हूँ <laughs> अगर मान लीजिए हैदराबाद डायरीज में आपको मौका मिल है तो बहुं क्या बहुं आप एक्टिंग अच्छा करेंगे हाँ बिल्कुल चलिए शाहरुख अगर ये प्रोग्राम <laughs> देख रहे हैं तो इबा खान ने हामी भर ली है इन इनको बहुत जल्द रोल मिल जाएगा तो बहरहाल काफ़ी खुशी हुई आप आई इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलते चलते अगर जो नौजवान जो मेकअप से जुड़ना चाहती हैं मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर या फिर मॉडलिंग से जुड़ना चाहती हैं उनके लिए आपका पैगाम क्या रहेगा जी हाँ मेरा ये है कि आ, अगर आप आ, डी आ, मतलब मोस्टली मेकअप में जाना चाह रहे हो अगर आपका पैशन है वो तो उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि हार्ड वर्क के बगैर आपको कुछ मिलेगा नहीं और मॉडलिंग uh, के लिए हाँ मैं ये बोलती हूँ कि सेफ जोन जरूरी है आप किसी एक मेंबर को साथ में लेके जाइए पर आप ये देखे कि आप किस चीज में कंफर्ट हो उस चीज के लिए आप करिए तो बस हार्डवर्क आप कुछ ना कुछ करते इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलेगा आपको आपको इंस्टेंटली बताइए इस, आप आप तो <laughs> इस चीज के लिए आने के लिए तो हाँ आप करते जाइए अपने आपका रास्ता आते जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया आप आई नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जाने को इजाजत दीजिए अल्लाह